हाइप है बाबा, सॉलिड हाइप है। तीन ऐसी मूवी जो अभी गुत्थम गुत्था में लगी पड़ी हैं, जहां दो तो पहले ही खेल रही थी, एक कल की 2898 AD, देन इसके बाद पुष्पा द रूल। खैर पुष्पा द रूल का तो बनता भी है क्योंकि कल को इसका टीजर आ जाएगा। और यस, इन्होंने वो हाइप गेन करी है, कमाई है खुद के दम पर, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त पोस्टर, मतलब माइंड गेम जो मेकर्स ने खेला है भाई, वो कल को फटने वाला है। देन उसके बाद अभी बात करेंगे रामायण के बारे में, जो मोस्ट हाइप्ड मूवी है, क्योंकि इसके सिर्फ नाम मात्र से ही जो मेन लीड पर स्टार हैं रणबीर कपूर, देन उसके बाद माँ सीता के रूप में साई पल्लवी देखने को मिलेंगे, एंड रावण के रूप में हमें रॉकिंग स्टार यश देखने को मिलेंगे, KGF वाला रॉकिंग स्टार यश। भाई इन नाम ने ही जो हाइप ले रखी है, बस नाम ही काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि अभी फोटो लीक्स हुई हैं कुछ पिक्चर वगैरह, तो उसके ऊपर भी बात चली। खैर उसको यहाँ पर हम भाई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। फिलहाल भाई मूवी से रिलेटेड अगर मैं बताऊं, रामायण बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, लेकिन 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 आदि पुरुष जैसा चूतिया ना काट दें, बस भाई इसी के लिए हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि रामायण से जुड़ी भाई लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहती है, लोग डिवोशनल इमोशनल कनेक्शन है, भक्ति भाव से कौन नहीं जुड़ा है, राम लला से कौन प्यार नहीं करता है, किसके दिल में राम नहीं बसे हैं भाई, बच्चे बच्चे के दिल में राम बसे हैं, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में राम बसे हैं। तो इसके साथ छेड़खानी होगी, खैर आदि पुरुष में जो छेड़खानी हुई उसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लोगों ने भर के क्रिटिसाइज करा है, बस इसी चीज़ का डर लग जाता है कि भाई एडवांसमेंट के नाम पर, कुछ नया दिखाने के नाम पर ऐसा चूतिया ना काटा जाए। फिलहाल मूवी से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो भाई जो नाम इसके साथ जुड़ रहे हैं, फुल ट्रस्ट दे के जा रहे हैं, फुल प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि जब आएंगे तो फाड़ के जाएंगे, मैदान फाड़ के जाएंगे, एक ऐसा एक्सपीरियंस दे के जाएंगे जो शायद एक नया इतिहास लिख जाए कि यार रामायण इस एंगल में भी हो सकती है क्या, क्योंकि सिर्फ कहानी सुनी है और इमेजिन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा भाई साहब, ऐसी डिवोशनल एंड इमोशनल कनेक्शन वाली जो मूवी होती है, इन पे म्यूजिक एंड बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। खासकर रामायण में हमने बहुत सी चीज़ें कभी देखी भी नहीं है, बस सुना है और इमेजिन ही किया है, तो वहाँ जो जो भी सीन्स होंगे उसमें कितना रियलिस्टिक का तड़का और ज़्यादा पोटेंशियली डालना होगा भाई, वो म्यूजिक करके जाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक करके जाएगा, जिसमें बहुत प्रॉमिसिंग नाम जुड़ चुके हैं लाइक हंस जिमेर एंड AR रहमान, ये दोनों लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें हंस जिमेर के अगर मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट अगर मैं बताऊं जो ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं, लाइक अपने द लायन किंग मूवी के बारे में तो सुना ही होगा भाई साहब, देन उसके बाद अपने ग्लैडिएटर मूवी के बारे में सुना होगा, देन उसके बाद पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, कौन भूल सकता है इस मूवी को, देन उसके बाद द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, इसके बारे में सुना होगा, एंड डंकिर्क, इसके बारे में सुना होगा। तो भाई साहब ये जो मूवीज थी ये हॉलीवुड स्तर को बिलोंग करती हैं, और यहाँ जब बॉलीवुड में हमें ये हॉलीवुड लेवल का बंदा देखने को मिल जाएगा म्यूजिक देते हुए, वो भी एक ऐसी धमाकेदार मूवी जो पूरा मतलब भारतवासी के दिल से जुड़ती है, कनेक्शन से जुड़ती है, श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ती है, तो समझो ये मूवी कितनी बड़ी होने वाली है भाई साहब। ये नाम देखकर प्रॉमिस फुल जनरेट हो रहा है एंड फुल ट्रस्ट बन रहा है कि भाई मूवी जब आएगी तो दमदार आग फाड़ के जाएगी। खैर इससे जुड़ी और भी कुछ बातें अगर आपको पता है तो जरूर बता गया ना। और डायरेक्टर जो है नितेश तिवारी इसमें होने वाले हैं, और नितेश तिवारी का काम तो हम जानते ही हैं भाई, अपनी डायरेक्शन के साथ, अपनी विजन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी राइटिंग के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और रामायण जैसे सब्जेक्ट पर जहाँ पर पहले से ही राइटिंग अच्छी खासी हुई है, बस उसे इम्प्लीमेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, और किसको कितनी स्क्रीन देनी है, सिनेमाटोग्राफी का कितना बढ़िया इस्तेमाल करना है जो लोगों की आँखों को, ना कि सिर्फ आँखों को सुकून दे के जाए, दिल में ठंडक दे के जाए, क्योंकि यह सब्जेक्ट ही वैसा है। तो भाई इंतज़ार है, और हंस जिमेर और AR रहमान की इस डेडलीस्ट कॉम्बो के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, ये क्या धमाका कर सकते हैं अपने म्यूजिक के साथ, अपने BGM के साथ, नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी और भी इससे जुड़ी अगर बातें आपको पता है तो जरूर बता के जाना, जरूर शेयर करके जाना हमारे साथ, एंड यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, देन उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नए हो तब। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।